Hello everyone, let's read the 7th chapter of the English Channel Reader course book. This is a story named Finding Selves, matlab khud ko dhoondna ya khud ki talash mein. Now it starts with, now grandma's story was exciting. Dadi ma ki jo kahani thi wo kafi exciting thi, kafi interesting thi. She had told them about a little man lived with them when she was a young girl. उन्होंने बता रखा था बच्चों को एक लिटिल मैन के बारे में जो कि उनके साथ रहता जब वो एक छोटी बच्ची थी. एंड हाउ ही हेल्प द चिल्ड्रन विथ ऑल दियर वर्क, और कैसे वो बच्चों को उनके काम में हेल्प किया करता. दादी माँ इस इंटरेस्टिंग कहानी को अपने बच्चों को सुना रही थी. इमेजिन हैविंग समबडी टू डू ऑल योर वर्क फॉर यू, बस सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे सारे कामों को करने के लिए कोई तुम्हारे साथ हो. 10-year-old Jeev's mind was racing with ideas. अब जो जीव है, 10 साल का लड़का जीव है, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ideas दौड़ रहे हैं. जानी, let's go and look for a little man. वो कहता है कि जानी, चलो और उस little man को ढूंढा जाए. Grandma says the old owl knows all about them. Grandma कहती हैं कि जो बूढ़ा owl है, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है. And where they can be found. और वह यह भी बता सकता है कि वो little man अब कहाँ पाया जाता है. Then papa will not scold us for not doing our homework. तो अगर वो हमें मिल जाता है तो पापा हमें डांटेंगे नहीं अपने homework को नहीं करने के लिए. जीव says to his elder sister eagerly. अब जीव अपनी बड़ी बहन जैनी को यही बात बड़ी ही उत्सुकता से समझाते हुए कहता है कि let's find the little man. Then we see, no, you go, I'm too sleepy, Jenny said, pulling the sheet up to her chin. अब जेनी उस वक्त सो रही होती है, वो कहती है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, और वो ऐसा कहते समय अपने चादर को अपने चेहरे पर ढक रही होती है. जीव ran to the window, और जीव दौड़ता हुआ खिड़की के पास जाता है. मून जो था वो जैसे कि एक बड़ा सा चांदी का बॉल हो. मून इज़ हाई अप इन द स्काई, ये बहुत ऊँचाई पर है. इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मेरे लिए ये सही समय है जाने का. ही क्रेप्ट सॉफ्टली डाउनस्टेयर्स एंड आउट इनटू द स्टिल नाइट. ही क्रेप्ट, वो चुपचाप डाउनस्टेयर्स से नीचे, सीढ़ियों से नीचे आया और उस शांत रात में बाहर निकल पड़ा. हूट हूट क्राइड अ वॉइस फ्रॉम द ग्रोव नियर द हाउस. तभी उसे किसी के हूट साउंड की आवाज़ आई. एंड दिस हूट साउंड इज क्रिएटेड बाई आउल, जो बड़ा सा पेड़ था उसके घर के आगे, वहां से उसे हूट हूट की आवाज आई. दैट्स द ओल्ड आउल, थॉट जीव. जीव को लगा कि ये वही ओल्ड आउल है. ही रैन टू अ बिग ओक ट्री, वो बड़े से ओक ट्री के पास गया. ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहां पे एक ओल्ड आउल बैठा है, सिटिंग ऑन अ ब्रांच एंड स्टेयरिंग एट हिम, जो उसकी तरफ घूर रहा था. स्टेयरिंग, घूरना. विथ येलो आईज, जस्ट एज ग्रैंडमा हैड टोल्ड, जैसा कि दादी माँ ने बताया था, उस ओक ट्री पे उसे वो ओल्ड आउल दिख गया जो कि उसे घूर रहा था. देयर वाज स्टेयरिंग हिम. नाउ इट इज, ओ डियर से चीव, फॉर ही डिड नॉट लाइक द ओल्ड आउल वेरी मच. हालांकि जीव कहता है ओ डियर, क्योंकि उसे वो ओल्ड आउल ज़्यादा पसंद तो नहीं था. ही वॉज अ वी बिट स्केयर्ड ऑफ हर शार्प गेज, वो उससे थोड़ा बहुत डरा हुआ था उसके घूरने के कारण. गेज मीन्स बड़े ही ध्यान से देखना. तो जब वो उसे ध्यान से देख रहा था आउल उसकी तरफ, तो जीव को हल्का सा डर भी लग रहा था. कम अप हियर, कम अप हियर, शी क्राइड. तो आउल कहता है कि इधर आओ, इधर आओ. जीव क्लाइम द ट्री एंड सेड फेस, सैट फेस टू फेस विथ हर ऑन द बिग ब्रांच. जीव पेड़ पर चढ़ बैठा और बिल्कुल उसके सामने बड़ी सी डाली पे जा चढ़ा. Now what you want? said the old owl. Old owl पूछता है कि भला बताओ तुम्हें क्या चाहिए. Please, said Jeev, I want to know where to find little man. Jeev पूछता है कि कृपया मुझे ये बताइए कि little man कहाँ मिलेंगे. And how to get one come to and live with us. और कैसे उन्हें अपने साथ में लेकर के आ सकूँ ताकि वो हमारे साथ रहें. ओहो ओहो, said the owl. That's all, is it? इतनी सी बात. I know of three little men. मुझे तो तीन छोटे लोगों के बारे में पता है, आउल कहता है. हुर्रे, said जीव,
वेयर डू दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं? इन योर हाउस, सेड द आउल, वो तो तुम्हारे ही घर में रहते हैं। इन आवर हाउस, वेयर अबाउट्स, वाई डोंट दे हेल्प अस, क्राइड जीव। तो जीव कहता है कि हमारे ही घर में रहते हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ पे? वेयर अबाउट्स, वाई डोंट दे हेल्प अस, तो फिर वो हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? वन ऑफ देम इज टू स्मॉल, सेड द आउल, एक तो काफ़ी छोटा है। बट वाई डोंट द अदर टू डू समथिंग, लेकिन जो बाकी दो हैं वो कुछ क्यों नहीं करते? सेड जीव, नोबडी डज एनी वर्क इन आवर हाउस एक्सेप्ट फादर, हमारे घर में हमारे फादर के अलावा तो कोई वर्क नहीं करता। दे आर आइडल एंड लेजी, सेड द ओल्ड आउल, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो लिटिल मैन है वो आइडल है, वो सुस्त है और वो आलसी है। देन वी डोंट वॉन्ट देम, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग देम इन द हाउस इफ दे डू नॉट, इफ दे डू नथिंग टू हेल्प अस, भला अगर वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारे घर में उनकी क्या ज़रूरत? परहैप्स दे डोंट नो वॉट टू डू, शायद उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। आई विश यू वुड टेल मी वेयर टू फाइंड देम, मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प करोगे कि उन्हें मैं कहाँ ढूंढ सकूँ। आई कुड टेल देम वॉट टू डू, मैं उन्हें कह सकता हूँ कि क्या करना है उन्हें। कुड यू, कुड यू, ओहो ओहो, तो फिर आउल कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? जीव कुड नॉट टेल वेदर द आउल वॉज हूटिंग और लाफिंग, जीव समझ नहीं पा रहा था कि जो आउल है वो उसकी तरफ हूट कर रहा है, उसे चिढ़ा रहा है या हंस रहा है। ऑफ कोर्स आई कुड, दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट आवर बैग्स रेडी फॉर स्कूल, वो कहता है कि हाँ मैं उनसे काम ले सकता हूँ, वो जल्दी सुबह उठेंगे और हमारे लिए हमारा बैग्स पैक करेंगे ताकि हम स्कूल जा सकें। दे विल ऑल्सो डू आवर होमवर्क एंड इवनिंग बिफोर दे कैन पुट अवे आवर टॉयज एंड टाइडी आवर रूम, तो वो हमारे साथ हमारा होमवर्क करेंगे, फिर वो शाम के वक्त जब हम खेलने जाया करेंगे तो वो हमारे टॉयज को जगह पर रखेंगे और रूम को साफ सुथरा करेंगे। मेरी माँ को ऐसा कम से कम नहीं करना पड़ेगा। सो दे माइट, हाँ तो वो ऐसा कर सकते हैं, सेड द आउल, वेल आई कैन टेल यू वेयर टू फाइंड वन ऑफ द एल्व्स एंड ही कैन टेल यू वेयर टू फाइंड द अदर। गो टू द नॉर्थ साइड ऑफ द पॉन्ड वेयर द मून इज शाइनिंग ऑन द वाटर, टर्न योरसेल्फ अराउंड 3 times व्हाइल यू से दीज वर्ड्स, कहता है कि हाँ ये तो वो कर सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ वो एल्फ मिलेगा। एल्फ आर द इमेजिनरी मैजिकल क्रिएचर्स विच आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, काफ़ी छोटे होते हैं, लाइक ओनली अ फ्यू इंचेस, और वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें दो और एल्फ्स कहाँ मिलेंगे। एक काम करो, नॉर्थ साइड में जाओ तालाब के, जहाँ पे मून शाइन कर रहा होगा वाटर पे, पानी पे मून की छाया चमक रही होगी, खुद को उसमें 3 times देखो और ये वर्ड्स कहो, ट्विस्ट मी एंड टर्न मी एंड शो मी द एल्फ, आई लुक्ड इन द वाटर एंड सॉ। और वो कहता है कि ट्विस्ट मी एंड टर्न मी, मुझे बताओ कि दूसरे एल्फ को शो करो। आई लुक्ड इन द वाटर एंड सॉ, मैंने पानी में देखा, झांका और देखा, देन लुक इन द वाटर एंड थिंक ऑफ अ वर्ड विच राइम्स विद एल्फ टू कम्प्लीट द चार्म, फिर दोबारा पानी में देखो और फिर एक वर्ड सोचो विच राइम्स विद द एल्फ, जो कि एल्फ से राइम करता हो, ताकि एक राइम स्कीम, एक चार्म क्रिएट हो सके। नाउ इट सेज थैंक यू वेरी मच, जीव हाफ विस्पर्ड टू द ओल्ड आउल। अब जीव इतनी हड़बड़ी में था कि वो ओल्ड आउल को आधी अधूरी विश करके ही वहाँ से भाग पड़ता है। ही न्यू द प्लेस वेरी वेल, वो इस प्लेस को अच्छे से जानता था। He ran to the north side of the pond and turning himself around 3 times he repeated the words. वो उस पॉन्ड पर पहुंचकर 3 times खुद को झांकता है और वही वर्ड रिपीट करता है। Then he looked in and saw himself. और तब उसे क्या दिखाई देता है? वो खुद ही दिखाई देता है। Why there is no one but myself? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मैं हूँ? I can't think of the right word. क्या मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा? वॉट कैन इट बी, ये क्या हो सकता है? आई विल गो बैक एंड आस्क द ओल्ड आउल, मैं जाकर ओल्ड आउल से पूछता हूँ, थॉट जीव। एंड बैक ही वेंट, देयर सैट द ओल्ड आउल एज बिफोर, और ओल्ड आउल वहीं बैठा था जैसे वो पहले बैठा करता था। ओहो शी सेड एज जीव क्लाइम्ड अप, डिड यू फाइंड अबाउट द वर्ड, वो पूछता है जीव से कि क्या तुम्हें वो वर्ड मिला?
No, said Jeeve. I could not find any word that rhymes with the elf except myself. वो कहता है कि मुझे और कोई वर्ड नहीं मिला जो कि एल्फ से राइम करता हो सिवाय myself. Well, that is the word. तो ठीक है, तो यही वर्ड है. Now you have found the first elf. Now do you know where the other one is? अब क्या तुम्हें पता है कि दूसरा एल्फ कहाँ है? जीव थॉट हार्ड फॉर अ मोमेंट अबाउट व्हाट द ओल्ड आउल मीन्ड. जीव को काफ़ी वक्त लगा ये सोचने में कि वो आखिर कह क्या रहा है. इफ़ द फर्स्ट एल्फ, अगर मैं फर्स्ट एल्फ हूँ देन, तो फिर ही थॉट अगेन फॉर एन इंस्टेंट एंड सेड इज स्लीपिंग. तो वो सोचता है कि अगर मैं फर्स्ट एल्फ हूँ तो दूसरा एल्फ कौन है? वो जो शायद सो रही है. मीन्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट हर सिस्टर, अबाउट हर एल्डर सिस्टर जेनी के बारे में वो सोच रहा था. सो देन ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड, गुड नाइट. एंड द ओल्ड आउल बिगिन टू शेक हर फीदर्स. तो ओल्ड आउल कहता है अब तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तुम्हें, सो गुड नाइट. एंड द ओल्ड आउल बिगिन टू शेक हर फीदर्स. और जो बूढ़ा आउल था वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है. शी सेटल डाउन एंड ब्लिंक्ड हर आइज. वो बैठ जाता है और अपनी पलकें झपकाने लगता है. जीव अंडरस्टूड द ओल्ड आउल्स एडवाइस. अब जीव को ओल्ड आउल की एडवाइस समझ आ चुकी थी. ही रश्ड होम टू टेल हिज सिस्टर अबाउट हिज एडवेंचर विद द ओल्ड आउल. वो घर की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि अपनी बहन को बता सके अपने एडवेंचर, अपने इस छोटे से एडवेंचरस प्रोग्राम के बारे में जो कि उसने ओल्ड आउल के साथ बिताया था. This story is retold from the Brownies by Juliana Horatia Ewing. So that's all for this video. We'll see you in the next lesson with next video. Till then, thanks and goodbye.